हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉश ग्लो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मौसम चेंज होने के कारण बहुत लोगों के हेयर फॉल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे होते हैं जिन्हें बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है और उनको अपने बालों के लिए कुछ ऐसा चीज़ चाहिए ताकि उनका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, उनको तेल भी लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो इसका क्या सलूशन है जिससे कि आपका हेयर फॉल भी कम हो जाए और आपको तेल भी लगाना ना पड़े? तो इसीलिए आज हम तैयार करेंगे एक ऐसा हेयर फॉल मास्क जिससे आपका हेयर फॉल तो कम होगा ही, उसके साथ साथ ये आपके बालों को लंबे होने में भी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हेयर फॉल मास्क को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है गुड़हल का फूल, मतलब हिबिस्कस फ्लावर, और उसके साथ आपको चाहिए होगा करी लीव्स, और लास्ट में चाहिए होगा आपको फ्रेश एलोवेरा लीफ। और ये जो क्वांटिटी है ये आपके बालों के लेंथ के हिसाब से आपको लेनी होगी। आप यहाँ पे चाहे तो गुड़हल का जो पत्ते होते हैं, मतलब हिबिस्कस फ्लावर का जो पत्ते होते हैं, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। तो सभी चीज़ों को पहले आप अच्छे से पानी से धो लें, वॉश कर लें उनको। फिर उसके बाद जो गुड़हल का फूल है उसको आपको एक चीज़ करना है कि गुड़हल के फूल के अंदर जो एक डंडी होती है उसको आपको फेंक देना है, और ग्रीन जो पार्ट होता है ना लास्ट में, इसको आपको फेंक देना है। तो सभी गुड़हल के फूलों को इसी तरीके से आपको ये निकाल लेना है। अगर आपके पास गुड़हल का फूल ना हो अवेलेबल, तो आप इसके अलावा हिबिस्कस पाउडर जो आता है किसी भी कंपनी का, आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल के फूल में एमिनो एसिड से भरपूर होता है। एमिनो एसिड बालों में कैरेटिन उत्पादन में मदद करता है, जिससे बालों को काफ़ी चमक मिलती है और बाल लंबे भी होते हैं। इससे बालों के पतले होने की समस्या भी दूर होती है। इसके बाद आपको करी पत्ता लेनी है। आप जितना क्वांटिटी इसको बनाएंगे उसी के हिसाब से आपको करी पत्ता लेना है। करी पत्ते में विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्कैल्प को भरपूर पोषण देते हैं और बालों को बढ़ाने में भी मददगार होता है। करी पत्ता सेहत के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता लेने के बाद अभी हमें लेना है फ्रेश एलोवेरा लीफ। इसके हम छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेंगे। अगर आप नियमित रूप से एलोवेरा जेल बालों में लगाएं तो इससे बालों की चमक लौटेगी, बाल मजबूत बनेंगे। यही नहीं, इसके इस्तेमाल से सिर की खुजली, जलन आदि भी दूर होगा। इसके अलावा बाल हेल्दी बनेंगे, उसका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। ये ऑयली बालों की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो आप बालों में एलोवेरा का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। अभी एक मिक्सी जार में डाल के हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे, मतलब ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी आपको यहाँ पे डालना है। ग्राइंडिंग के बाद ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसमें आपको 3 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल डालना है। इससे आपके बालों को मॉइस्चर मिलेगा और एक कंडीशन जैसा भी आपका जो बाल है वो सॉफ्ट बनेगा। तो अभी इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको बालों में अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आप अकेले ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरे बालों में। अभी हमारा जो पैक है वो रेडी है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए मैं आपको खुद अपने बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस पैक को लगाने के बाद आपको इसको छोड़ देना है आधा घंटा या 45 मिनट के लिए। आपको पूरे लेंथ में, जितना आपका लेंथ है हेयर का, उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। आप शैम्पू भी कर सकते, नहीं तो सादा पानी से भी आप धो सकते हैं।
देखिए, और एक चीज़ है कि हेयर वॉश करने के बाद हो सकता है कि पत्ते के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बालों में लग के रह सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब आपका जो बाल है वो सूख जाएगा और जब आप कंघी करेंगे तो वो खुद ब खुद ही आपके बालों से नीचे आके गिर जाएंगे, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसको लेके कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। ये पैक आपके हेयर फॉल जर्नी में बहुत मदद करेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसमें सब नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई है, तो आपको ये 100% रिजल्ट्स देगा ही देगा। आपको इसको वीक में एक बार यूज़ करनी है, ऐसे करके आप अप्लाई करें, आप देखिएगा आपका जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कम होगा, आप खुद ही इसका जो रिजल्ट्स है आप देख पाएंगे। आपके बालों के साथ साथ आपको आपके अपने जो स्टोमक है, मतलब आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, उससे भी हमारा जो हेयर फॉल है वो होता है। तो आपके जो डाइट है वो डाइट में भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आज की जो ब्यूटी रेसिपी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपको देखना है या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही रेसिपीज़ ब्यूटी रेसिपीज आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।